नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आज हम लोग बनाना सीखेंगे रबड़ी। रबड़ी किस तरीके से बना सकते हैं आप अपने घर में। दोस्तों, कढ़ाई को हमने चढ़ा लिया है और इस लोहे की कढ़ाई में हमने दूध को डालना है। अब इस दूध को क्या करना है कि पहले तो तेज आंच पे हमने इसको उबालना है। एक उबाल, हल्का सा उबाल जब आ जाएगा तब गैस को धीमा करके इसको हमें चलाते रहना है और किनारे किनारे जो मलाइयाँ जमेंगी ना उसको हमको खुरचते रहना है। ये देखिए दोस्तों, जिस तरीके से धीरे धीरे इसमें मलाई पड़ती जा रही है, हमें इस तरीके से इसे खुरचते रहना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से खुरच खुरच के इसके किनारों को हमें मलाई निकाल लेनी है। तो ये देखिए दोस्तों, काफ़ी ये रिड्यूस हो चुका है, कम हो चुका है दूध, और ये अभी और कम होना बाकी है। तो हम बीच बीच में इसका बहुत ध्यान दे रहे हैं कि किनारों को हम खुरचते रहें और दूध में इसको मिलाते रहें। टी वाली खुशबू होती है ना, वो आने लगी है क्योंकि ये जो दूध है वो रिड्यूस होके आधा हो चुका है और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये रबड़ी बन रही है और दूर से ही बहुत ही अच्छी महक आएगी कि दूध को भुना जा रहा है। तो देखिए, ये है काजू, पिसा हुआ काजू, और ये है थोड़ी सी इलायची। तो ये जो है आपको ले लेने हैं 8-10 काजू ले लेने हैं, उसको पीस देना है और आपको इसमें डाल देना है इलायची का पाउडर, इसको इसमें डाल देना है। और इसमें आपने डाल देना है, ये देखिए चीनी है, इसको भी डाल दीजिए। अब ये देखिए दोस्तों, ये होने लगा है बढ़िया से गाढ़ा और बढ़िया से ये देखिए थिक होने लगा है। हम इसे थोड़ा देर और इसे पकाएंगे, थोड़ा देर इसे और चलाएंगे, फिर इसको हम छोड़ देंगे इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी के लिए। फाइनल बस इसको कंसिस्टेंसी में लाने के लिए बस इसको अब चला रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें बड़े बड़े से इस तरीके से बबल बनने लगे हैं। अब जो ये है इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी हो गई है। अब हमें क्या करना है कि गैस को कर देना है बंद, लेकिन गैस को बंद कर देने के बाद भी इसको हमें चलाना है, वरना कढ़ाई नीचे से गर्म है तो ये तली में लग जाएगा। और बस इसको चलाने के बाद थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी रबड़ी बिल्कुल बढ़िया ड्रॉपिंग टेंसी है इसकी। और ये देखिए, इसमें लच्छे जो कि रबड़ी की निशानी होते हैं बढ़िया रबड़ी की, बिल्कुल इसी तरीके से आप रबड़ी बना सकते हैं अपने घर में। ये देखिए बिल्कुल मार्केट की तरह। और सबसे बढ़िया रबड़ी जो होती है ना दोस्तों, इस तरीके से, और ये बनती है लोहे की कढ़ाई में। तो लोहे की कढ़ाई में इस तरीके से एक बार रबड़ी बना के देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको।